गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू। माई सेल्फ संदीप नेहरा, योर हिस्ट्री टीचर। वी आर स्टडिंग अबाउट लेसन 11, रिपल्स एंड राज। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अवध इन रिवोल्ट्स। तो फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अवध इन रिवोल्ट, उसमें सब टॉपिक्स दिए गए हैं। तो हम आप 2.1 यानी ए चेरी दैट वी ड्रॉप इन टू आवर माउथ्स वन डे, यानी ये वर्ड जो लॉर्ड डलहौजी ने कहे थे कि एक चेरी जो एक फ्रूट होता है वो हमारे मुंह में एक दिन क्या है जरूर गिरेगा, तो उसके बारे में क्या है हम स्टडी करेंगे। तो उस वर्ड से पहले क्या है मैं बताता हूँ कि अवध जो था वो क्या है, रिवोल्ट का एक मेजर सेंटर रहा था 1857 में। जैसे आपको क्या है रिवोल्ट के बारे में 1857 के बारे में पीछे लास्ट टॉपिक्स में पढ़ाया, तो आपने देखा कि अवध के अंदर जो रिवोल्ट था वो काफ़ी मतलब उग्र हो चुका था। वहाँ पीसेंट्स हैं, तालुकदार्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, मतलब तकरीबन सभी के सभी क्या हैं अवध के अंदर उसमें पार्टिसिपेट कर चुके थे। किसके अंदर? उस रिवोल्ट के अंदर। तो उसका रीज़न क्या था कि द किंगडम वाज, जो अवध का किंगडम है, द किंगडम वाज फॉर्मली अनेक्स्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर इन 1856 में के अंदर क्या है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर विलीन कर लिया था, मिला लिया था। तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी भी साथ में सुने ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। और आपको नीचे पीडीएफ में क्या है हिंदी के टॉपिक्स भी दे रखे इसी तरह से। तो ये जो 1856 के अंदर है उसको मिलाया क्यों गया उसके बारे में, तो 1801 में यानी 1801 में सबसिस्ट्री अलायंस क्या है इम्पोज किया था अवध के अंदर। अब ये सबसिस्ट्री अलायंस क्या है, सबसिस्ट्री अलायंस क्या है, लॉर्ड वेल्सली के द्वारा चलाया गया था। एक सिस्टम था जो लैंड इंट्रोड्यूस करने के लिए जो लॉर्ड वेल्सली के द्वारा 1798 के अंदर स्टार्ट किया गया था। अगर क्या है इस को किसी भी मतलब जो जिस तरह से रियासतें थी, झांसी थी, अवध थी, उस तरह से वहाँ पर अगर किसी तरह से ये व्यवस्था स्टार्ट कर दी जाती तो उसको क्या है कुछ कंडीशंस माननी पड़ती। तो ये लॉर्ड वेल्सली ने स्टार्ट किया था 1798 में, अवध के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया 1801। आपको डेट के अंदर कन्फ्यूज़ नहीं होना, स्टार्ट इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया था लॉर्ड वेल्सली के अंदर 1798 के अंदर, और अवध के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 1801 के अंदर। अगर ये क्या है इसको कोई मान लेता है, यानी जिस भी इसको ट्रीटी के तहत क्या है कुछ कंडीशंस क्या है, उस जो किंग वगैरह होता था किसी भी रियासत का किंग वगैरह होता था तो उसको कंडीशन माननी पड़ती थी। जैसे द एली वुड हैव टू कीप ए ब्रिटिश आर्म कॉन्टिजेंट इन हीज टेरिटरी, सबसे पहले तो क्या करेगा जो ये शर्त मानेगा, जिसके ऊपर ये शर्त थोपी जाएगी यानी ये ट्रीटीज थोपी जाएगी, वो क्या करेगा कि अपना जो उसका एरिया है, जो उसका क्षेत्र है, उसके अंदर क्या है एक ब्रिटेन की यानी अंग्रेज़ों की जो एक मिलिट्री की जो टुकड़ी है वो वहाँ पर रखेगा, यानी अंग्रेजी सिपाही वहाँ पर रखेंगे यानी मिलिट्री मैन ट्रूप्स वहाँ पर रहेंगे। दूसरा, द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टेशन ऑफ दीर, तो वो कहने का मतलब उसकी खुद की सेना कोई काम नहीं करेगी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वही उसको प्रोटेक्ट करेगी, मतलब उसकी प्रोटेक्ट का। अगर कोई दूसरा मान लो दूसरी रियासत उसके ऊपर क्या है वार करती है, आक्रमण करती है, तो उसका प्रोटेक्ट की जिम्मेवारी अंग्रेज़ों को दे दी गई कि वो ही करेंगे, उनको कुछ नहीं करना है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल, चाहे किसी की तरह की कोई इंटरनल कंडीशन ऐसी हो या कोई एक्सटर्नल हो, पूरी की पूरी रख रखाव की व्यवस्था किसको दे दी गई, अंग्रेज़ों को दे देगी, ब्रिटिश को दे देगी या फिरंगी को दे देगी, आप किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हो। और रिसोर्सिस फॉर मेंटेनिंग द ब्रिटिश कॉन्टिजेंट वुड बी प्रोवाइडेड बाय द एली, और इसके अलावा क्या है उसकी जो रिसोर्सिस है उनको मेंटेन करने का काम भी किसका होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। द लाई कुड नॉट एंटर इन टू द एग्रीमेंट विदाउट द लोकल रूलर, उसके आस पास के जितने भी पड़ोसी लोकल रूलर्स हैं या उसकी रियासत के अंदर जो तालुकदार वगैरह हैं उनसे कोई भी एग्रीमेंट बिना गवर्नमेंट की, बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन, गवर्नमेंट की नहीं, बिना अंग्रेजों की फिरंगों की परमिशन के बिना क्या है किसी तरह का, यानी किसी फॉरेन कंपनी के साथ, किसी लोकल रूलर के साथ किसी तरह का कोई एग्रीमेंट क्या है साइन नहीं किया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि बिना अंग्रेजों की अनुमति से ना तो वो युद्ध कर सकता है, ना वो संधि कर सकता है, यानी कुछ भी नहीं कर सकता। तो वन ब्रिटिश रेजिडेंट वुड बी सेंटेंस इन द कोर्ट ऑफ लाइक, और जो राजा का कोर्ट होगा यानी दरबार होगा उस कोर्ट के अंदर क्या है एक जो ब्रिटिश रेजिडेंट है यानी एक ब्रिटिश अधिकारी जो हमेशा क्या है मौजूद रहेगा, उसको क्या है किसी तरह का उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा राजा के द्वारा, बल्कि वो अपनी मर्जी से कभी भी उसमें आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कोई भी बात पूछ सकता है,
इंटरफेयर कर सकता है, यानी कोर्ट के अंदर क्या है, अंग्रेज़ों का एक क्या है अधिकारी वहाँ पर क्या है रेजिडेंस करेगा, महल के अंदर ही रेजिडेंस करेगा, वो दरबार के अंदर रहेगा। तो ये कंडीशंस क्या थी उसकी, थी सब्सिडरी जो अलायंस यानी सहायक संधि जो बनाई गई थी उसकी ये कंडीशन थी। तो ये कंडीशन थोप दी गई थी 1801 के अंदर, किसके ऊपर थोप दी गई थी, ये सारी की सारी कंडीशंस क्या है अवध के ऊपर थोप दी गई थी। अब अवध के ऊपर थोप दी गई थी तो अवध के अंदर क्या है ये सारी की सारी होगी, ब्रिटिश ट्रूफ वहाँ पर हो गए थे, नवाब क्या है कोई भी एक्ट नहीं कर सकता था, नवाब की सारी क्या है आर्म फोर्स थी वो अंग्रेज़ों की हो चुकी थी, कोई मेंटेन ला करने के लिए ऑर्डर करने के लिए वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था, ताल्लुकदारों से लिए, रिलीजियस चीफ के लिए, सारे के सारे जो ट्रीटी वगैरह करने के लिए क्या किसके ऊपर था अंग्रेज़ों के ऊपर डिपेंडेंट था। तो 1801 के अंदर थोप दी गई और एक काफ़ी लंबे समय तक चली, और 1856 के अंदर क्या नवाब को हटाया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे जो वर्ड आपको दिया गया, जो स्टार्टिंग में दी गई है, जो टॉपिक का नाम दिया गया, तो द ब्रिटिश हैड लॉन्ग चेरिश टू ऑक्यूपाई एंड कंट्रोल अवध, यानी ब्रिटिश ने क्या है अवध को क्या है अपने कंट्रोल में कर लिया था। इन 1851 लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ अवध, मतलब जो वर्ड टॉपिक का नाम दिया गया वो वर्ड कहे थे किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। ध्यान रखना जो सहायक संधि चलाई गई थी यानी सबसे अलायंस जो चलाया गया था वो लॉर्ड वेल्सली के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये जो वर्ड कहे हैं ए चैरी दैट विद ड्रोप इनटू वन माउथ वन डे अवर माउथ वन डे, यानी हमारे मुंह के अंदर जो चैरी का फल है या गिलास का फल भी जिसको बोल देते हैं वो हमारे मुंह में एक दिन गिरेगा, ये वर्ड जो कहे गए थे लॉर्ड डलहौजी के अंदर कहे थे, क्योंकि गवर्नर जनरल 1798 और 81 के अंदर जो था वो लॉर्ड वेल्सली थे, और 1851 के से लेकर के 57 तक जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो लॉर्ड डलहौजी थे। तो उन्होंने ये वर्ड कहे थे 51 के अंदर, 51 में ये वर्ड उनके कहने के बाद उन्होंने क्या धीरे धीरे यानी 56 के अंदर क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या लॉर्ड डलहौजी ने क्या है उसको रियासत को औपचारिक फॉर्मली रूप से कम्प्लीटली अपने अंदर मिला दिया और नवाब को हटा दिया कि अब तू जा सकता है तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पर, उसको कर्नाटक की तरफ यानी वो बाहर कहीं भी जहाँ भी है उनको वहाँ से निकाल दिया गया। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द एक्विजिशन ऑफ द अवध वाज द इम्पोजिशन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस इन 1801। तो ये पीछे बताया था वही दे रखा है कि 1801 के अंदर स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट स्टेप उठाया गया था सहायक संधि का इसके अंदर, जो क्या है लॉर्ड वेल्सली ने 1798 के अंदर क्या है स्टिपुलेटेड की थी, यानी जिसको फॉर्मेशन किया था और इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया था। तो उसके बाद क्या है कुछ कंडीशन माननी पड़ी थी, जैसे ही विल हैव टू डिस्पेंड हिज मिलिट्री फोर्स, इससे क्या है नवाब को अपनी सेना क्या करनी पड़ी थी बिल्कुल डिस्पेंड करनी पड़ी थी, समाप्त करनी पड़ी थी। ही विल परमिटेड द ब्रिटिश टू सेंड द सेंटिनल्स दियर ट्रूप्स विद इन द किंगडम, उसको अपने यानी अवध के अंदर अपने किंगडम के अंदर ब्रिटिश के क्या है ट्रूप्स रखने पड़े थे, उनको परमिशन देनी पड़ी थी, वो टुकड़ियाँ क्या करनी पड़ी थी तैनात करनी पड़ी थी। ही विल एक्ट इन द अकॉर्डिंग्स विद द एविडेंस एडवाइस ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंस, उसको कोई भी काम करना पड़ता था तो जो ब्रिटिश ऑफिसर रखा गया था ब्रिटिश रेजिडेंट रखा गया था उसकी परमिशन से ही करता था, उसकी एडवाइस से ही करता था, अपनी मर्जी से नवाब कुछ नहीं कर सकता था। ही विल एंटर इनटू एग्रीमेंट विद अदर रूलर, किसी भी दूसरे रूलर के साथ कोई एग्रीमेंट करता था कोई वेलफेयर करता था उसकी परमिशन भी ब्रिटेन से लेनी पड़ती थी। तो यानी अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि नवाब ने अपनी इंडिपेंडेंस बिल्कुल लॉस्ट कर दी थी, अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। ही बिकेम डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश टू मेंटेन लॉ, वो पूरा का पूरा डिपेंड हो चुका था अपने अवध के अंदर लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और उनको चलाने के लिए। तो इस तरह से क्या है 1801 के अंदर उसका हो चुका था। अब क्या है वो इंटरेस्ट ले रहे थे, इसके अंदर नहीं लिखा गया था तो वो इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे उसके अंदर, जो अवध के अंदर क्या है ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे क्यों ले रहे थे, एक तो क्या है वहाँ पर क्या है जो अवध की जो ज़मीन थी, जो मतलब रीजन बता रहा हूँ कि अवध को उन्होंने क्या है ऐसा क्यों स्टार्ट किया और अवध को वो क्यों छीनना चाहते थे अंग्रेज, तो एक तो क्या है वहाँ की जो लैंड थी वो क्या है नील और कॉटन के लिए काफ़ी बेनिफिट थी, मतलब काफ़ी उत्तम थी, वहाँ पर अच्छी नील की खेती हो सकती थी, अच्छी कॉटन की क्या है एग्रीकल्चर यानी खेती कर सकते थे। तो इस प्रदेश को क्या है मतलब जो नॉर्थ इंडिया था उसको एक बहुत ही बिग मतलब बाज़ार की तरह देखा जा रहा था, मतलब ये लग रहा था कि ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है, एक मतलब जो ब्रिटिश की क्या है
सारी जो ज़रूरतें हैं उनकी फुलफिलमेंट से उनको कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पर क्या है, नील भी हो सकता है, कॉटन भी हो सकता है, इसके अलावा एक बिग बाज़ार के रूप में भी काम कर सकता है। तो इसलिए क्या है, वो उसको हड़पना चाहते थे, अवध किंगडम को क्या है अपने किंगडम में, ब्रिटिश किंगडम के अंदर मिलाना चाहते थे। दूसरा, 1850 के बाद या 1850 के दशक में, यानी 1850 से लेकर के 60 तक अंग्रेज़ों ने क्या है, मतलब इंडिया के काफ़ी हिस्से थे जो प्रिंसेस थी, स्टेट थे, उनके ऊपर क्या है अपनी विजय प्राप्त कर लू चुकी, यानी वो किसी ना किसी तरीके से कहीं पर अडोप्टेशन सिस्टम को अपना करके, किसी पर सब्सिडी अलायंस को अपना करके क्या है वो हड़प रहे थे, उनको अपने उसमें मिला रहे थे। उस उन्होंने क्या है मराठा लैंड को, दुआब को, कर्नाटका को, पंजाब को, बंगाल को, ये सभी को क्या है अपनी झोली में डाल लिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बंगाल की जीत के बाद जो 1757 में प्लासी के साथ बंगाल में एंट्री होती थी, वो 1850 तक लगभग क्या है पूरे इंडिया के अंदर अंग्रेज़ फैल चुके थे। तो इसलिए उन्होंने क्या है अवध को भी क्या है अपने साथ मिलाना चाहते थे, यानी अवध के ऊपर भी वो ये चाहते थे। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था। ओके, थैंक यू।